खुशियाँ मनाऊंगी, इंजॉय करूंगी। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, कार मुबारक। अरीबा देखो आई है, खाना इनको खिलाना है, ईदी भी तो लेनी है, पिकनिक पर भी जाना है। रोजों के बाद आती है, खुशियाँ सबको देती है, अल्लाह की ये रहमत है, रोजेदार पर होती है। मदीने की ये खुशबू गए, इसको लगाना सुन्नत है, सुन्नत पूरी करने गए, फिर ईदगाह को जाना है। ईद मुबारक, खैर मुबारक। मीठी ईद पर गम ने, नमाज ईद से पहले मुँह मीठा करना गए, आका की ये सुन्नत है। सदका फितर वाजिब गए, गरीबों को ये देना गए, रोज़ कबूल होते गए, जब सदका फितर देते गए। अल्लाह पाक की राह में कुछ माल देना, जिससे अल्लाह पाक हमारे रोजे कबूल फरमा ले और गरीब मुसलमानों की मदद भी हो जाए, उसे फितरा कहते हैं। अंकल मेरी दी फजूल खर्चे बिल्कुल भी हमने ना ये करने गए, संभाल के पैसे रखने गए, बात बड़ों की मानने गए। जल्दी चले, पहले ही लेट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, साथ चल रहा हूँ। क्या किया गुलाम रसूल भाई? इसने कहा था तेज भागते हुए आए, आराम से तवज्जो के साथ चलना चाहिए। चले खैर है, चोट तो नहीं लगी। वालेकुम वरहमत। अंदर आ जाए, हम स्कूल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। जी, तो फिर क्या सोचा कंपास बनाने के बारे में? बहुत मुश्किल टास्क है ये तो, कैसे बनेगा मुझसे ये? जी भाई, इसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। देखें, हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक बात याद रखें, कंपास बनाने के दौरान हमारी कोई भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, न ही स्कूल का दूसरा होमवर्क और घर के काम लेट हो, क्योंकि ये तो एक इजाफी चीज है। लेकिन उसैद भाई, कंपास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? उसैद भाई, आप ऐसा करें, कंपास का सामान इस पे लिख के दे दें, ताकि सब अपने बाबा से मंगवा लें। मुझे दे, मैं लिखता हूँ। पहले मैग्नेट लिखें। एक आइसक्रीम भी लिखो। अरे ये क्या, कुछ भी लिखते जाएंगे। ओह सॉरी। दो सेल लिखें। एक बर्गर भी लिखे मेरे लिए। ओह सॉरी सॉरी, अभी काटता हूँ। सारा पेपर तो आपने खराब कर दिया। आज ही सब सामान अपने बाबा से मंगवा लें। जी जी जरूर, मेरा कंपास सबसे अच्छा होगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बच्चों, आपको पता है हम ये कंपास क्यों बना रहे हैं? इसलिए ताकि हम इससे डायरेक्शन मालूम कर सकें और बवक्ते जरूरत कंपास की मदद से किबला यानी काबे की डायरेक्शन भी मालूम कर सकें, क्योंकि नमाज की 6 शराइत हैं, उनमें से एक किबला रुख होना भी है, तो इसीलिए हम सब बना रहे हैं कंपास। मैं क्या करूं, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी ने एक चूंटी से सबक सीखा था जो ऊपर चढ़ने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी और नाकाम हो जाती थी, लेकिन वो कोशिश करती रही और ऊपर चढ़ ही गई। मुझे मेहनत करना होगी। जी तो ये लगेगा यहाँ। नुमान भाई सेल उठा कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आ जाए भाई आ जाए, कंपास का एक्सपेरिमेंट करना है, जल्दी आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उसैद भाई आप अपना कंपास दिखाएं। वाह वेरी नाइस माशाल्लाह। अब फैजान भाई आप अपना कंपास दिखाएं। मेरा तो बहुत बुरा बना है, ये देखें। अच्छा तो है माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात कि आपने मेहनत तो की। उसैद भाई ने तो सबसे अच्छा बनाया है। मैंने, गुलाम रसूल भाई ने और नौमान भाई ने मिलकर बनाया है। बबलू भाई आप अपना कंपास दिखाएं। अरे ये तो आपने मार्केट से खरीदा है, आपने खुद थोड़ी बनाया है। जी ये तो खुद बनाना था। मैंने सोचा इतनी मेहनत कौन करे, बाबा से ही मंगवा लेता हूँ। बबलू भाई बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। हमें इबादतों में, होमवर्क में और दीनी कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इस कंपास से डायरेक्शन मालूम करने का तरीका। देखें, ये मकनतीसी सुई यानी मैग्नेटिक नीडल किस तरफ है, नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ, और ये है साउथ यानी जुनूब, और ये है ईस्ट यानी मशरिक, और ये है वेस्ट यानी मगरिब। हमारे पाकिस्तान में वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, तो जिस तरफ डब्ल्यू होगा तो समझे कि उसी तरफ काबा शरीफ है, तो उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। साइड में करें, साइड में करें आप, साइड में करें आप। अरे 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 ओहो ये नो 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 नो, ये चीटिंग है, चीटिंग है। मैं जीत गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप दोनों क्या टाइम जाया कर रहे हैं, आपको पता है वक्त की कितनी अहमियत है। शोर की वजह से ध्यान बढ़ गया, गलती हो गई, अब काटना पड़ेगा। अच्छा अब बताए क्या लिख रहे थे आप। मैं एक दुआ लिख रहा था जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और आपने सिखाई थी वो मुझे। कौन सी दुआ? इल्म में इजाफे की दुआ। चले एक बार पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशाल्लाह। कुछ नई गेम सोचे। मेरे जहन में तो एक खतरनाक गेम आ रही है। क्या क्या बताएं ना बताएं। मैं सोच रहा हूँ वो स्टैंड जो सामने रखे हुए हैं उनके ऊपर से गाड़ी उड़ाते हैं। हाँ। यस। हाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ, कहाँ गई आपकी गाड़ियाँ? वो तो बाबू अंकल के घर चली गई। मैंने मना भी किया था कि कोई तंग ना हो, हमसे लोगों को फायदा पहुँचे। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, यानी लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुँचाए। जज़ाकअल्लाह गुलाम रसूल भाई, जल्दी चले जल्दी। ओहो गेट पर तो ताला लगा हुआ है। ये क्या, अब क्या करें? आप अंदर जाकर ले आए हल्के। अरे ये क्या कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है ये। ये किससे पूछ कर अंदर गए हैं? बाबू अंकल घर नहीं थे तो हम क्या करते। अरे घर का मालिक घर नहीं होगा तो क्या आप अंदर कूद जाएंगे? हमें तो लोगों के घरों में झांकने से भी मना किया गया है, तो सोचें किसी के घर में बगैर उसकी इजाज़त के कूद जाना कितनी बुरी बात होगी। बबलू भाई कोई आ तो नहीं रहा? जल्दी करें, दूर से कोई आ रहा है। बस आया। बेटा खैरियत, आप यहाँ खड़े हुए हैं? बाबू अंकल मुआजरत, एक गलती हो गई हमसे, आप दरवाजा खोलें फिर बताता हूँ।
अरे आप अंदर कैसे? बाबू अंकल, इनकी गाड़ियाँ अंदर चली गई थी और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कूद गए। इन्होंने गलत किया, मैं भी बाद में आया। बेटा किससे पूछकर आप अंदर गए थे? दरवाजा बंद था तो बस अंदर चला गया। फैजान भाई, हमें बिल्कुल भी इस तरह किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह से पर्सनल अटैक है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बहुत माजरत बाबू अंकल। जी माजरत, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। चलें, अब हम चलते हैं। ऐसे ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है? मैं थोड़ा आगे काम से जा रहा हूँ, आप फैजान भाई के घर पहुँच जाइएगा। ऐसे ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, नाम लिया और आप आ भी गए। ये मुझे टक्कर मारेगा, ये सिखा रहे हैं आप इसे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये दुम्बे को टक्कर मारना सिखा रहे हैं। फैजान भाई, टक्कर मारना ना सिखाएं, बुरी बात है ये। कुर्बानी के जानवर को उल्टी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। अल्लाह ना करे जानवर को कोई ऐसी चोट लग गई जिससे ऐसा ऐप पैदा हो जाए कि इस जानवर की कुर्बानी ना हो। सॉरी, अब नहीं करूँगा। क्या ये लिया है आपने कुर्बानी के लिए, इतना छोटा सा दुम्बा? छोटा सा क्या मतलब? मेरा जानवर देखना, ऊँट आएगा ऊँट। बबलू भाई, कुर्बानी में हमारी नियत सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने की होनी चाहिए। दिखावे के लिए कुर्बानी करने से सारे अमाल जाया हो जाते हैं, और बकरा बड़ा हो या छोटा, नियत खालिस होनी चाहिए। माशाल्लाह। चल मेरी ऊँटनी, चल सो चल, चल मेरी ऊँटनी, चल सो चल। मैं कहता था ना, एक दिन ऊँट ले लूंगा, तो ले लिया मैंने ऊँट। अरे रुके बबलू भाई। आपको नहीं पता, जिस जानवर पर कुर्बानी की नियत कर ली जाए तो उससे आप किसी भी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानवर नेकी के लिए खास हो चुका है, और ये नेकी उसी वक्त हासिल होगी जब अल्लाह पाक के नाम पर इस जानवर को ज़िबह किया जाएगा। हम कुर्बानी के जानवर पर सफर नहीं कर सकते। गुलाम रसूल भाई, ऊँट के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी पर सवारी को पसंद फरमाया करते थे, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था कसवा। माशाल्लाह। और मजे की बात, ऊँट को रेत का जहाज भी कहा जाता है। क्या, रेत का जहाज? जी बिल्कुल, रेत का जहाज। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऊँट का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जमा, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है? आ, 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 रुको मेरे ऊँट। बाबा मुझे मेरा ऊँट चाहिए। यस, मेरा ऊँट आ गया। कहाँ है मेरा ऊँट? यही है बबलू भाई का ऊँट। क्या ये? बुरी बात है ये, आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं। हमें किसी भी मुसलमान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। बबलू भाई, इसमें मुंह छुपाने की क्या बात है? मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि जिद ना करें। अल्लाह पाक हमें सिर्फ कुर्बानी करने का हुक्म देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुर्बानी का बड़ा छोटा या तगड़ा होना कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हमें अपनी माली ताकत के हिसाब से अच्छा और खूबसूरत जानवर लेना चाहिए। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है। अल्लाह के यहाँ हरगिज़ ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी इसकी बारगाह तक पहुँचती है। देखें, फैजान भाई आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। चलें, थैंक यू। आप सर जमीन शाद बाद।
बच्चों, हम मना रहे हैं पाकिस्तान की 75th सालगिरह और हम इस यौमे आजादी पर कुछ नया करने जा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के बानी मिस्टर मोहम्मद अली जीना ने हमें तीन चीजों की एडवाइस दी थी, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। इन्हीं उसूलों को सामने रखते हुए पाकिस्तान की 75th सालगिरह पर सफाई कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफाई निस ईमान है। बबलू भाई, आपने आने में इतना टाइम लगा दिया, वहाँ सब बच्चे पहुँच चुके होंगे। इतनी इम्पोर्टेंट कैंपेन करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी में वक्त तो लगता है। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। चलें अब, जल्दी चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गुलाम रसूल भाई, मैं और बबलू अपनी अलग अलग सफाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम सबको मिलकर सफाई करनी है। इत्तेहाद में बरकत है, जब हम मिलकर कुछ करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब इस सारे कचरे का क्या किया जाए? कचरे वाले को फोन कर दें। कौन कचरे वाले? कचरे वाले तो हम हैं। कचरे वाले हमें? हमने सफाई की है आज। आज हम भी सफाई वाले बने हैं, और जिनको कचरा उठाने के लिए बुलाना है वो भी सफाई वाले हैं। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। सब बच्चों को सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बस अब सब घर जाएं, मैं सफाई वालों को कॉल करता हूँ, वो ये कचरा ले जाएंगे। ये कचरा क्यों जमा किया हुआ है? हमने सफाई की है आज। आप देखें ना, सोसाइटी कितनी साफ लग रही है। लेकिन अब ये कचरा यहाँ क्यों जमा कर रखा है? गुलाम रसूल भाई सफाई वालों को कॉल कर रहे हैं, वो ये कचरा ले जाएंगे। अरे पीछे हटे, इसे आग लगा देते हैं, बस बात खत्म। सफाई की है तो अच्छे से करें। अरे नहीं, नहीं लगाएं आग। मेरा हाथ छोड़ें, आग तो अब लगा कर ही रहूँगा। अरे बाबू अंकल रुकें। आपको पता है आग लगाने के कितने नुकसानात हैं? आग से कपड़े या हाथ पांव जल सकते हैं। जलता कागज हवा से उड़कर कहीं और भी जा सकता है, जिससे दूसरी जगह भी आग लग सकती है। और इससे तो पोल्यूशन फैलता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सफाई का मतलब हर चीज की सफाई। जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस्लाम साफ सुथरा दीन है, जबकि एक रिवायत में है कि अल्लाह पाक ने इस्लाम की बुनियाद सफाई पर रखी है, तो तुम भी नजाफत यानी पाकीज़गी हासिल करो, क्योंकि जन्नत में वही शख्स दाखिल होगा जो जाहिर और बातिन में साफ सुथरा होगा। प्यारे बच्चों, हमें अपने वतन अजीज पाकिस्तान से प्यार करना है, और इसको हमेशा साफ सुथरा रखना है। खूब मेहनत करनी है, और बड़ा आदमी बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हम अल्लाह पाक पर यकीन रखते हुए अच्छे अंदाज से मिलकर कुछ करेंगे तो ही कुछ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्वाइट क्लास, कीप साइलेंस। बाबर, आप यहाँ आए और बोर्ड पर आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। बाबर जल्दी आए। कमॉन बबलू भाई, आगे बढ़े, आप कर सकते हैं। बाबर ब्रेक के बाद मैं आपसे नया क्वेश्चन पूछूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ब्रेक हो गई, मैं तो पढ़ पढ़ कर थक गया था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मीटर डाउन है आज, क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हाँ, मेरे बाबा ने कहा था आज मेरे लंच बॉक्स में कुछ स्पेशल है, पहले देखते हैं क्या चीज है। बाबा ने एप्पल और बनाना रखा है, हमें हमेशा लंच में गजायत से भरपूर चीजें लानी चाहिए। अच्छा, तो ये है स्पेशल।
मजे की बात बताऊं, मेरी अम्मी भी मुझे रोज लंच बॉक्स में फ्रूट्स ही देती हैं। ओह माशाल्लाह, हमें हमेशा लंच में गिजायत से भरपूर चीजें ही लानी चाहिए। और सबसे ज्यादा गिजायत खजूर में होती है, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सबसे फेवरेट गिजा थी। वाओ माशाल्लाह, फ्रूट्स खाने के बाद अब मैं रेडी हूँ मैथ्स के टेस्ट के लिए। मैथ के टेस्ट में तो आप फुल मार्क्स ले आएंगे, लेकिन याद है ना, आज शाम में हमारा मैच भी है। जी जी। आ जाए बाबर और आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आप कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। फैजान आप इधर आए, कान पकड़े और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। करें करें, बेस्ट ऑफ लक, कर सकते हैं आप। जी मैं कर सकता हूँ। माशाल्लाह। फैजान मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप किसी न किसी की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताएं, आज तक आपने दीन इस्लाम से क्या सीखा है? सर, किसी का सहारा बनना। जब भी कोई अपना हौसला खो दे तो उसका बाजू बनना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए। माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन क्लास में आज जो आपने किया इस पर मैं आपसे कल बात करूंगा, क्योंकि आज 100% अटेंडेंस नहीं है। वैसे आज जो आपने बबलू भाई का हौसला बढ़ाया, बबलू भाई का सहारा बने, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यही तो हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है और हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो सबसे ज्यादा बेसहारों का सहारा बनते थे। सुभानअल्लाह। बल्कि आपकी बारगाह तो बेसहारों का सहारा है। लेकिन कल क्लास में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जी उम्मीद है अच्छा ही होगा, आपने तो अच्छा काम ही किया है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान कल जो आपने क्लास में किया ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्लास के रूल्स का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरों का सहारा बनना और उनका हौसला बढ़ाना ये बहुत अच्छी बात है। जी गुलाम रसूल। देखें बच्चों, यही तरीका होता है कि आप हाथ ऊपर करें और टीचर की इजाज़त से बात करें। जी गुलाम रसूल। माशाल्लाह, फैजान भाई ने तो आज दिल ही खुश कर दिया। हमें इसी तरह दूसरे मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो उनको नफा यानी फायदा पहुंचाए। ये बहुत मजा आ रहा है। बंद करे शीशा, सर्दी सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती, आप भी आ जाए। अरे बबलू भाई अंदर आ जाए। अरे क्यों इतनी हलचल कर रहे हैं? सॉरी मैं एक्साइटेड हो गया था। गाड़ी में आराम से बैठना चाहिए ताकि ड्राइवर की तवज्जो ना बटे। और आपने जिस तरह गाड़ी से बाहर मुंह निकाला हुआ था, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और सर्दी का मौसम आ चुका है, ठंडी हवा लगने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप एहतियात करें। अच्छी। लो भाई, लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे पता है सब। अच्छा क्या पता है? आपको गैब का इल्म है क्या? फैजान भाई ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है गैब का इल्म क्या होता है? मैंने तो वैसे ही बोल दिया, फ्यूचर की खबरों को गैब की खबरें कहते हैं। लोग कहते हैं तो मैंने भी कह दिया। अच्छा लोग कुछ भी बोलेंगे आप भी बोलना शुरू कर देंगे। चलें घर चलकर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इल्म गैब की डेफिनेशन ये है कि वो चीज जो हमसे छुपी हुई हो और हम उसे देखने सुनने सूंघने चखने और छूने से ना जान सके, और गौर फिकर करने से भी वो बात हमारी अकल में ना आ सके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौजज़ात में से आपका एक मौजज़ा इल्मे गैब भी है। इस बात पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि इल्मे गैब ज़ाती और हकीकी तो सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर अल्लाह अपने नबियों रसूलों वगैरह में से जिसे देना चाहे ये गैब का इल्म अता फरमाता है। अच्छा माशाल्लाह, तो क्या कुरान पाक में भी गैब के इल्म का जिक्र है? जी बिल्कुल है।
अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब वलकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। और अल्लाह की शान ये नहीं के ए आम लोगो तुम्हें गैब का इल्म दे दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। सुभानअल्लाह। तो क्या हदीस पाक में भी इल्मे गैब का जिक्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजारों गैब की खबरें अपनी उम्मत को दी। सही बुखारी शरीफ में है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हम लोगों में खड़े थे तो आपने हमें मखलूक की पैदाइश से बताना शुरू किया, हत्ता के जन्नती अपने मनाजिल यानी स्टेजेस पर जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी अपने ठिकाने पर जहन्नम में पहुँच गए। जिसने इस बयान को याद रखा उसने याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। सुभानअल्लाह। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्मे गैब की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो के बारे में है। गज़वा खैबर के मौके पर एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फतह देगा, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रावी कहते हैं, लोगों ने ये रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि देखें कल किसको झंडा दिया जाता है। सुबह हुई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने अर्ज की, उनकी आंखों में तकलीफ है। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनकी आंखों में अपना लुआबे दहन यानी थूक मुबारक लगाकर दुआ फरमाई तो फौरन ही उन्हें ऐसी शिफा मिल गई गोया कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उन्हें झंडा अता फरमाया और किले की तरफ रवाना फरमाया और फिर अल्लाह पाक ने हजरत अली के हाथ पर मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझिए आप कि ये कितना सीरियस मसला है। इल्मे गैब के बारे में कभी भी मजाक में बात नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ला बस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी फिकर की कोई बात नहीं इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला होगा। अब मजा आ रहा है, विंडो खोल रहे थे ना बार बार। फैजान भाई आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए और बबलू भाई आपको कितना समझाया था कि सर्दियां हैं, आप खुद को ठंडी हवा ना लगने दें। लेकिन घबराए नहीं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को पहुंचने वाला कोई दुख गम मलाल अजियत और दर्द ऐसा नहीं ख्वाह उसके पैर में कांटा ही चुभे मगर उसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। थैंक्स, आप मेरी तबीयत मालूम करने आए। आयादत करना तो हमारे लिए ऑनर की बात है क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की आयादत के लिए सुबह को जाए तो शाम तक और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं, अल्लाह पाक आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, अगले हफ्ते से स्कूल भी खुल रहे हैं। ओ वाओ। सोना बनाने का नुस्खा ले लो, सोना बनाने का नुस्खा ले लो, सोना बनाने का नुस्खा ले लो। बच्चों आपको पता है 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इस दिन की हर हर घड़ी बरकतों और रहमतों वाली है क्योंकि इस दिन रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए
जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ खुशियों का समा था। जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपके साथ एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे मशरिक से लेकर मगरिब तक सब रोशन हो गया। बीबी आमिना रदियल्लाहु अन्हा बताती हैं, मैं घर में जिस तरफ भी देखती नूर ही नूर नजर आता और सितारों को देखा तो इतने करीब आ गए थे कि मैं कहने लगी ये मुझ पर ही गिर पड़ेंगे। आज बहुत ही बाबर का दिन है, हम सबको अपने अपने घरों में महफिल नाच सजानी चाहिए और खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इस दिन की बरकत अता फरमाए। आमीन। जी जी बिल्कुल, आज गुलाम रसूल भाई के घर में महफिल नाच का मजा ही आ गया। बाबा आप अभी तक खड़े हैं? अगर आपके पास सोना बनाने का नुस्खा है तो आप सोना बनाकर खुद क्यों फायदा हासिल नहीं कर लेते? इस तरह आपको कार्ड पर किताबें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाबा जी की बात तो सुन लें, बड़ों का अदब करना चाहिए। बेटा हम सब मुसलमान हैं ना? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो आप ये भी चाहते होंगे कि इस्लाम सारी दुनिया तक पहुंच जाए? जी जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि हर कोई मुसलमान हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि यही हक और सच का रास्ता है। मगर जब आप इस्लाम और कुरान की दावत देंगे हो सकता है लोग आपकी बात नहीं माने। क्यों? हम तो उन्हें अच्छी बात बताएंगे। आप उन्हें लाख बताएंगे, हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसमें हर चीज का बयान है। ये कामयाबी का राज है, माजी के सच्चे वाकयात भी हैं और मुस्तकबिल की पेशन गोइयां भी। जिसे भी आप इस्लाम की बातें बताएंगे वो आप पर हंसेगा, हालत देखेगा कि मुसलमान तो झूठ बोलते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, माँ बाप का, अपने बड़ों का अदब एहतराम नहीं करते, जैसा कि आपने अभी मेरे साथ किया। बेटा आप ही बताओ, कोई आपकी बात कैसे मानेगा? बाबा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुसलमान जब तक अपनी हालत अपना करेक्टर ठीक नहीं करेंगे तब तक हम भी इस्लाम की मुकम्मल खिदमत नहीं कर सकते। तो आज इस रबीउल अव्वल के मौके पर हम अपने अंदर मौजूद सब खराबियों को दूर करेंगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, खुद अच्छे काम करेंगे और लोगों को भी अच्छे काम करने का कहेंगे। जिन चीजों से अल्लाह पाक ने मना किया है कभी भी उनके करीब भी नहीं जाएंगे। माशाल्लाह। अरे रुके रुके, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको किड्स लैंड से मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब तो कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फैजान भाई होंगे। बबलू बबलू बेटा ये लें, एक फैजान को भी दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले, बाबा ने क्या दिया है मेरे लिए? क्या मतलब? गुलाम रसूल भाई ने मना किया था ना कि कान लगाकर बातें नहीं सुनते। मैंने कान लगाकर कुछ नहीं सुना, आवाज़ खुद आ रही थी। चले आ जाए। दिखाएं क्या छुपा रहे हैं? मेरे लिए दिया है ना आपके बाबा ने? नहीं नहीं। तो ये चीज है जो आप मुझे नहीं दे रहे। माशाल्लाह। अब चलते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं तो आजकल एक कहानी वाली किताब पढ़ रहा हूँ। कहानियों वाली किताब? जी, जिसे फिक्शन भी कहते हैं, यानी ऐसा लिटरेचर जो इमेजिन करके यानी फर्ज करके लिखा जाता है और वो ऑथर की अपनी इन्वेंशन यानी इजाद होती है। अच्छा, कहानियों वाली किताबों से ज्यादा आप सच्चे वाकयात वाली किताब पढ़ा करें। मैंने बहुत सी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं, बस वो सब ऐसे ही होती हैं, कोई भी हकीकत वकीकत नहीं होती। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दुनिया में सच्चे वाकयात वाली हकीकी किताबें भी तो हैं। जी बिल्कुल है। अच्छा, और बल्कि मैं आपको ऐसी किताबों के बारे में बताऊं जो अल्लाह पाक ने नाजिल की है। जी जरूर। अल्लाह पाक ने बाज़ नबियों पर सहीफे और आसमानी किताबें उतारी जिनकी तादाद तकरीबन 104 है। उनमें से चार किताबें बहुत मशहूर है, तौरात जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील
हजरत ईसा अलैहिस सलाम पर और कुरान पाक जो सबसे अफजल किताब है, हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। जिस तरह कुरान पाक पर ईमान लाना फर्ज है, इसी तरह उन सब किताबों पर भी ईमान लाना जरूरी है जो अल्लाह पाक ने नाजिल की। इसके बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं बनता। दुनिया की सब किताबों से अफजल किताब कुरान पाक है, जिसके एक एक हुक्म पर अमल करना हम पर फर्ज है। माशाल्लाह, हम सब तो अल्लाह पर, उसके रसूलों और अल्लाह पाक की नाजिल की हुई सब किताबों पर ईमान लाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब गुलाम रसूल भाई, एक बात मैं पूछूं। जी पूछे। किसी का हक मारना कैसा है? ये तो गलत बात है, लेकिन ये बात आपको क्यों याद आई? बबलू भाई ने आज मेरा हक मारने की कोशिश की थी। की थी? मारा तो नहीं ना। अच्छा बात तो करने दें। असल में इनके बाबा ने मेरे लिए ये वाली चीज दी थी और ये मुझे दे ही नहीं रहे थे। बबलू भाई, ये तो गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो चीज जिसके लिए हो उसे दे देनी चाहिए। अल्लाह हमें और दे देगा। जी बिल्कुल, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है। मैं हूँ छोटा बच्चा, मैं हूँ अच्छा बच्चा, रहता हूँ मैं दोस्तों में, करता हूँ मैं अच्छे काम। बबलू है मेरा नाम। बबलू भाई, रेडी है कल के लिए? क्या, कल है बर्थडे? जी, तो आपको नहीं पता था? या अल्लाह, ये क्या हो गया? फैजान भाई, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने तो अभी तक गिफ्ट भी पैक नहीं किया। चले मेरे साथ, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। नहीं भाई, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। फैजान भाई, आपको नहीं पता, गुलाम रसूल भाई ने एक हदीस बताई थी कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा यानी फायदा पहुँचाए। तो आप जल्दी से मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएं। अच्छा, आपने मेरा कभी काम किया है? मैं जा रहा हूँ। आजाब दोनों को हुआ क्या है? कुछ नहीं। गुलाम रसूल भाई, ये तो कई दिनों से आपस में बात नहीं कर रहे। एक दिन बबलू भाई ने फैजान भाई को अपने घर बुलाया था हेल्प करने के लिए। फैजान भाई नहीं गए और ये दोनों इस तरह नाराज हो गए। आपको नाराज हुए हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए और आपने मुझे पता भी नहीं लगने दिया। देखें, दोस्ती में एक दूसरे की थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी चाहिए। नहीं गुलाम रसूल भाई, इन्हें अपनी ही बारी में सब कुछ याद आ जाता है। हेल्प हर बार मैं ही कराता हूँ। देखिए, इस तरह नहीं करते। आप दोनों तो तकरीबन दिन एक साथ गुजारते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ पढ़ते हैं। आपको तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। आए, मैं आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो के बारे में बताता हूँ कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से इश्क़ो मोहब्बत की वजह से क्या मकाम मिला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो के साथ नबुवत के ऐलान करने से पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और फिर जैसे ही ऐलान नबुवत हुआ तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले भी आप ही हैं। आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का हर दुख सुख में साथ दिया। आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथी होने का ऐसा हक अदा किया कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इनको सौहिबी ही लफ्ज के साथ याद किया, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ ही। अच्छा, माशाल्लाह, क्या कुरान पाक में भी आपका जिक्र आया है? जी, कई मर्तबा आपकी शान में आयतें नाजिल हुई हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो की शान ये है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने वालिद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो से पूछा, इस उम्मत के लोगों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो। सुभानअल्लाह, ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो की शान। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ
हमेशा रहने का कमाल। और 22 जमादी उस्तानी 3 सिरे हिजरी को आपका विसाल यानी वफात हुई थी। अल्लाह पाक आपके सबके हम सब की मगफरत फरमाए। हमें भी चाहिए कि हम भी मिल बांट कर रहें और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी बबलू भाई। इट्स ओके। बबलू भाई ये क्या कर रहे हैं? आपका तो रोजा है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कुल्ली करने वाला था बल्कि भूल गया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा। और भूल कर कुछ खा पी ले तो उससे रोजा भी नहीं टूटता। जल्दी आए, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माहे रमजान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन अलैहि सलाम शबे कदर में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। माशाल्लाह, मैं भी कल इंशाल्लाह गरीबों में इफ्तारी तकसीम करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे नौमान भाई के घर वालों ने आज इफ्तारी का इंतजाम किया है और कितनी प्यारी डिशेस तैयार की है। अल्लाह नौमान भाई को इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। اللهم لك صمت على رزقك افطرت। बबलू भाई जी, आपने इतना ज्यादा खाना प्लेट में निकाल लिया और फिर आपसे खाया भी नहीं जा रहा था। जी इतनी भूख लगी हुई थी, मैं समझा मैं खा लूंगा सब। लेकिन आपको ख्याल करना चाहिए ना, इतना ज्यादा खाना निकालना ही नहीं चाहिए। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 36 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है, तो हमें फूड वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है और रिस्क का एहतराम करना चाहिए। और ये खाना उन लोगों तक पहुँचे जो खाना नहीं खरीद सकते, तो इससे अल्लाह पाक भी राजी होगा और हम पाकिस्तान और गरीबों की मदद भी कर पाएंगे। जी मैं आइंदा ख्याल करूँगा। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? हम गलत घर में आ गए हैं। गुलाम रसूल भाई तो बैठे हुए हैं। लगता है गुलाम रसूल भाई ने गरीबों को बुलाया है अपनी इफ्तार पार्टी पर। वाओ माशाल्लाह, असल हक तो इन्हीं का है कि इन्हें इफ्तारी करवाई जाए। जी बिल्कुल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت مولاي صل وسلم। ये मेरी है, मेरी है, ये मुझे दे, मुझे दे, ये मेरी गुड बॉय है। मेरे पीछे ना भागे, ये मेरी फुटबॉल है। नहीं ये मेरी है, मुझे अल्लाह की जमीन से मिली है, मैं खेलता हूँ आगे लेकर जाऊंगा। अरे कौन है? गुलाम रसूल भाई आप? जी अभी आपकी हड्डी टूट जानी थी। क्यों? फुटबॉल से हड्डी टूटती है क्या? ये फुटबॉल नहीं रिस्क है, रिस्क। क्या रिस्क? जी ये फुटबॉल नहीं नारियल है, नारियल। कहाँ से मिला है आपको? वहाँ से, वो वहाँ दरख्त के पास से। पेड़ से ही गिरा होगा, वो पेड़ आपका है? नहीं। तो फिर आप इस नारियल पर क्यों लड़ रहे हैं? ये भी तो आपका नहीं है। देखे अगर रास्ते में कोई भी पड़ी हुई चीज मिले तो उसे इस्लामी टर्म में लुक्ता कहते हैं, और ऐसी चीज अपने लिए उठाना हराम है। अगर वो चीज हमने उठा ली तो उस शख्स तक पहुंचानी होगी जिसकी वो है, और हम बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वो चीज नहीं उठानी चाहिए। समझ आई मेरी बात? अब आपने ये उठा लिया है, अब इसके मालिक तक पहुंचाना ये जरूरी है। ओह
अच्छा अच्छा, ये तो बाबू अंकल के घर का दरख्त है। जी तो आए, उन्हें देकर आते हैं। जी बिल्कुल। वैसे गुलाम रसूल भाई, ये नारियल का पेड़ कितना प्यारा है। जी बिल्कुल, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कोकोनट को एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस्म के दर्दों को कम करता है। नारियल का ऑयल यूज करने से हमारी जिल्द बेहतर रहती है और बाल भी मजबूत रहते हैं। और बालों में तेल तो वैसे भी लगाना ही चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि जो शख्स बाल रखे उनका इकराम भी करे, यानी कंघी और तेल वगैरह का एहतमाम करे और बालों को साफ सुथरा रखे। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खुद भी बालों में तेल इस्तेमाल फरमाते थे। और हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु तो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सर में बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल फरमाते थे। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बाबू अंकल, हमने आपका एक नारियल उठा लिया था। आई एम सॉरी, हम आइंदा कोई भी चीज नहीं उठाएंगे। जी प्यारे बच्चों, हमें कभी कोई पड़ी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए। स्कूल में जमीन से मिलने वाली पेंसिल, स्केल और शार्पनर भी नहीं उठाना चाहिए। और इसी तरह रास्ते में कोई शख्स हमें कुछ दे तो वो भी नहीं लेना चाहिए। ठीक कहा आपने। रात लोड शेडिंग की वजह से मैं होमवर्क ही नहीं कर सका। राइका, दिन की रोशनी में आपने लैंप ऑन किया है। क्यों गुलाम रसूल भाई, क्या दिन में लाइट नहीं जला सकते? जितना भी पॉसिबल हो सनलाइट को इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर विंडो खोल लेती तो इससे रोशनी आ जाती और आपको लाइट नहीं जलाना पड़ती। और सबसे बढ़कर बिजली का बिल भी कम आएगा और आपके बाबा के पैसे जाया होने से बचेंगे। ओहो, ये क्या बला है भाई? देखूं तो सही, ये बोना निकलकर आखिर करता क्या है? मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। तुम स्विच को जब भी खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे। मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। पंखा हो या गीजर हो, ओवन हो या फ्रीजर हो, आयरन हो या मोटर हो, स्कूल हो या घर पर हो। मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। बिजली का जो यूजर हो जाने या अनजाने में, बिजली का जो यूजर हो जाने या अनजाने में, पैसों को बचाने में जब भी होगी उससे जूझ। मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। तुम बिजली जाया करोगे तो मैं तुम्हारे बाबा के पैसे ले लूंगा। ये बोना कहाँ है? कहाँ गायब हो गया ये बोना? मैंने पहले कभी ऐसा अजीबोगरीब ख्वाब नहीं देखा। असल में ख्वाब की बहुत सी वजूहात होती हैं। बोना कैसा था? छोटा सा था। इतना छोटा सा? अरे भाई ख्वाब था। बबलू भाई, जब गुलाम रसूल भाई और फैजान भाई बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये बैड मैनर्स हैं। फैजान भाई, जब हम बिला वजह लाइट जलाते हैं या फैन चलाकर खुला छोड़ देते हैं, उसको ऑफ नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी जाया होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब बिजली का स्विच ऑन होगा तो बिजली का मीटर चलेगा और बिल भी आएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे घर में कोई लाइट बिला जरूरत ना जले और ना ही कोई फैन बिला वजह चले और हम अपने बाबा के पैसे बचा सकें। अब मैं समझा वो बोना जो कहता था, तुम स्विच को खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे। मैं आऊंगा और पैसे लेकर जाऊंगा, यानी बिजली का बिल आएगा। जी बिल्कुल, लाइट्स, एसी, फैंस और दूसरी इलेक्ट्रिक की चीजें बिला वजह खुला छोड़ देना फजूल खर्ची है। और कुरान ने फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबर्रिदीन कानु इख्वान अश्शयातीन वकान अश्शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है।
प्यारे बच्चों, आज से आपने तमाम गैर जरूरी लाइट्स और फैंस बंद रखने हैं ताकि आपके घर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए और आपके बाबा के पैसे फजूल जाया न।